जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताज़ा तरीन खबरें। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में बेंगाबाद पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई। बेंगाबाद प्रखंड पंचायत समिति सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि आय राशि का अविलंब धरातल पर कार्य हो। बताते चले कि प्रत्येक पंचायत समिति सदस्यों को 2 लाख रुपया करके कुल राशि 70 लाख रुपये का आवंटित किया गया है। अब होगा धरातल पर कार्य। वहीं सामूहिक रूप से प्रस्ताव को पारित किया गया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं गांडे विधायक, बेंगाबाद प्रमुख, उप प्रमुख, सांसद प्रतिनिधि। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। बेंगाबाद प्रखंड सभागार में हुई पंचायत समिति की बैठक प्रमुख की अध्यक्षता में। इस बैठक में मुख्य रूप से बेंगाबाद बीडीओ कयूम अंसारी, सीओ संजय सिंह, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल आदि समेत कई पंचायत समिति व मुखिया भी उपस्थित थे। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। वहीं खास करके मुख्य रूप से वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम आवास एवं पीएम आवास को लेकर प्रखंड कार्यालय में हो रही मुद्रा मोचन को लेकर बारी बारी से चर्चा की गई। इसके अलावे कई तरह की विभागवार समीक्षा भी की गई। इधर बताया गया कि पंचायत समितियों सदस्यों के बतौर आवंटित राशि 70 लाख रुपये में से 2-2 लाख रुपये प्रति पंचायत समिति सदस्यों को आवंटित करने की बात कही गई और उनके द्वारा धरातल पर कार्य करने को लेकर सर्वसम्मति बनी। इधर इस मौके पर कई तरह की और भी चर्चाएं की गई। वहीं गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज ने कहा कि आज की बैठक में प्रमुख साहब ने बुलाई थी और पंचायत समिति सदस्यों को सरकार द्वारा की 2-2 लाख रुपया मिला है और उसी के सिलसिले में जो प्रपोजल है वहाँ से लेना था और उसको समीक्षा कर उसको पास करना था। मेन मुद्दा वही था और उसके आज अच्छी बैठक हुई। सब लोग पहले से प्रमुख साहब को दिया हुआ था और इसको इस मीटिंग में अप्रूवल दिया गया। साथ साथ बी डी ओ साहब ने कहा कि जितना हम लोगों को लेना है उसका डबल हम लोग सिलेक्शन करके और उसको पारित कर देंगे और कर करके फिर हम लोग जितना जल्द हो इस काम को स्टार्ट करेंगे। कब तक पारित होने की संभावना है, क्योंकि आखिरी समय में पारित तो आज की बैठक में ये प्रपोजल जो आई हो गया जी। अब आगे जो और जो एक एक देना है प्रपोजल 2-2 लाख का, वो लोग जल्दी से लिस्ट प्रमुख साहब को देंगे, प्रमुख साहब उसको बी डी ओ साहब को दे देंगे, उसको हम लोग पारित मान लेंगे, इसी बैठक में उसको शामिल कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पंचायत समिति की मासिक बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में माननीय विधायक जी उपस्थित हुए थे, साथ ही माननीय सांसद महोदय के आज की बैठक में मुख्य रूप से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो पंचायत समिति को मिली हुई राशि, इस पर चर्चा की गई है। इसमें यहाँ बेंगाबाद पंचायत समिति को लगभग 70 लाख ये आवंटित किया गया है, जिसमें 35 लाख आवास योजना के तहत है और 35 लाख अनावास योजना के तहत। इसमें माननीय पंचायत समिति सदस्यों से राय परामर्श कर लोगों की आवश्यकता अनुसार योजनाओं को आज दिया गया है और आज सभी योजनाओं को यहाँ पंचायत समिति बैठक में इसे स्वीकृति दी गई है। मतलब 70 लाख की योजनाओं की आज स्वीकृति दे दी गई है और 70 लाख योजनाओं का प्रस्ताव लिया गया है कि निकट भविष्य में यदि राज्य सरकार के द्वारा यदि पुनः राशि आवंटित होती है तो फिर उसी योजनाओं को फिर हम लोगों के द्वारा माननीय सदस्यों के द्वारा खर्च किया जाएगा और विशेषकर सभी विभाग के यहाँ पर पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। विभागवार हम लोगों ने समीक्षा किया, कुछ त्रुटियाँ भी मिली है, माननीय विधायक जी भी ने इनमें संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द जो भी जनहित का मामला है, जनहित का जो मुद्दा है, उसको हम लोग फिर बैठक के बाद भी हम लोग बी डी ओ साहब से मिलकर हम लोग इस पर दूर करने का प्रयास करेंगे।
आज पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई और हमारे इस बैठक के सदन में माननीय विधायक महोदय, प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय, वीडियो साहब, सीओ साहब उपस्थित थे और आप सबों से जानकारी ले भी चुके हैं और जो यहाँ पर कठिनाई थी वो सभी सदस्यों ने बारी बारी से उठाया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के विषय में उप प्रमुख महोदय ने बताया वो सत्य घटना है और सत्य बात है कि यहाँ पर प्रखंड स्तर पर उपयोगी और अनुपयोगी योजना के रूप में यहाँ पर पोर्टल में दिखाया जाता है, लोग जो भी जिसको लाभ मिलना चाहिए वैसे लोगों को यहाँ भटकाया जाता है कि आपका योजना आपके नाम से कट गया है। अब वो कौन काटने वाला है प्रखंड स्तर पर और कौन जोड़ने वाला ये तो हम लोग को पता नहीं है, कैसे कट जाता है, जबकि वीडियो साहब बता चुके हैं कि यह योजना ग्राम सभा के माध्यम से कटती है, लेकिन ग्राम सभा में ऐसी कई भी इस तरह का योजना को कटिंग नहीं किया गया है और यहाँ पर प्रखंड स्तर पर ऑपरेटर या इसका जो कोऑर्डिनेटर है इन लोगों का ये कहिए तो मिली भगत से मुद्रा मोचन करने का ये प्लान है, ये बहुत बड़ा ये बीमारी प्रखंड स्तर पर है। और अभी हमारे विधायक महोदय ने भी बताया, जिनसे मैं हम लोगों ने पहले भी आग्रह कर चुके थे कि प्रखंड स्तर पर पंचायत में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का जो समस्या है लाभुकों को मिलने का, उसमें IRDP का जो मामला था BPL का सूची, तो BPL का मामला बहुत से लोगों को जिसका मिलना चाहिए उसका नाम दर्ज नहीं था, तो विधायक महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया था कि इसे आप अपने स्तर से सर राज्य सरकार से इसका कोई आदेश करवाएं ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। पर आज वीडियो साहब के माध्यम से और विधायक जी के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली कि राज्य सरकार ने इसकी प्रतिबंधता जो थी वो हटा दिए हैं कि इसमें BPL की आवश्यकता नहीं है, अब वैसे जो जरूरतमंद लोग हैं वैसे लोगों को आप बगैर BPL का मिलेगा और सेंट्रल सरकार से और राज्य सरकार से दो तरह की योजना का लाभ गरीबों को मिलता है जो कि पेंशनधारी लोग हैं, तो इसमें बहुत से लोगों को BPL के लिए यहाँ पर मामला पेंडिंग है, प्रखंड स्तर पर स्वीकृत है लेकिन इसके तहत में वो पेंडिंग था और इसको BDO साहब ने बताया कि ये सब जो भी योजना पेंडिंग है और जो भी सरकार के गाइडलाइन में आता है उसको मैं तुरंत उसको हम कार्यान्वित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये सब बहुत सब विषयों पर चर्चा हुई जो हम लोग को पंचायत समिति को जो 70 लाख रुपया मिला था और 31 मेंबर को उसका भी स्वीकृति इस सदन के माध्यम से दिया गया है और किचन दीदी के क्या था किचन बाड़ी के जो दीदी बाड़ी योजना है कि 1 डिसमिल से 5 डिसमिल। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले, तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो।